वेलकम बैक गाइस, रोब्लॉक्स के नए वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हमें इस प्रिजन से एस्केप करना होगा। अच्छी तरीके से चलते हैं और ये प्रिजन बेरी का है। आ चुके हैं टनल में, इसके बाद इसे ओपन करेंगे। ओपन करा, अब यहाँ से मुझे जंप करके आगे जाना होगा और हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से जंप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये रहा बटन, दबाते हैं, दबा दिया। आयरन प्लेट पर सही तरीके से जंप करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, एक बार और जंप। ये रहा रिंच, मुझे चाहिए, इसकी मदद से इसे ओपन करेंगे। डिस्ट्रॉय करा, अब नीचे हम लोग आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। मेरे सामने बेरी है, वो मुझे देख लेगा, इतना तो पता है। बटन दबा दिया, लेकिन ये बेरी मेरे पीछे पड़ चुका है और मुझे इस बेरी से बचकर यहाँ से निकलना होगा। मुझे अपने पीछे से बेरी को हटाना होगा, नहीं तो ये बेरी मुझे किल कर देगा और मैं एक भी बार किल होना नहीं चाहता। ओके, फटाफट चलते, फटाफट चलते जंप करेंगे। राइट साइड में जंप करा अच्छी तरीके से। इसके ऊपर बेरी नहीं आ सकता, लेकिन संभल के, सिंगल पाइप है और जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं सामने डबल पाइप है। जंप करेंगे, सेफली तरीके से जंप किया। अब सामने हमें टनल में जाना होगा। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं टनल में, उसके बाद नीचे आ गए। इसे ऊपर इसे मार सबसे पहले। ओपन करने से पहले मुझे इस कैरेक्टर को फाइट में हराना होगा। अपडेट के बाद मज़ा आ गया, जब हम लोग किसी को किल करते हैं तो अच्छा लगता है। आने देते हैं, ये आया, इसे तो मैं किल करके ही जाऊँगा। ये ले बच गया, चलो कोई ना। ये ले फिर से नहीं लगा, चलो कोई ना, फिर से ट्राई करेंगे। इसे तो मैं किल कर दूंगा, कर भी दिया। चलो ओपन करते हैं। ये रहा सावल, और सावल की मदद से सुरंग बनाना स्टार्ट हो चुका है और सुरंग कंप्लीट हो गया है। अब अच्छी तरीके से हमें जंप करके जाना होगा और हम वही कर रहे हैं। और राइट गाइस, यहाँ आ चुके हैं, सामने ब्रिज है। अब मुझे ब्रिज को अच्छी तरीके से पार करना होगा। तो गाइस, हम लोगों ने ब्रिज को पार कर लिया अच्छी तरीके से। अब यहाँ मुझे सही तरीके से जाना होगा। ओके, चलो ठीक है, इसके बाद सामने की तरफ चलते हैं। और यहाँ गोला आता है, संभल के इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो गोला मुझे एक ही झटके में किल कर देगा। थोड़ा वेट करते हैं, और ये गोला जैसे ही गया वैसे ही हमें आगे बढ़ना है। और यहाँ पर भी स्टे करेंगे क्योंकि यहाँ पर जगह बना हुआ है। थोड़ा वेट करते हैं गाइस। आ रहा है गोला, और ये गोला चला गया, हम भी आगे चलते हैं फटाफट से। और यहाँ पर देख सकते हैं वुडन का लेडर है, ऐसे लेडर की मदद से हम लोग सेफली तरीके से आ चुके हैं। और यहाँ पर जैसे आते सामने बेरी है, उसने मुझे देख लिया, व्हील घुमाकर जल्दी से दूसरा रूम ओपन करना होगा। व्हील घुमा दिया, अब ये बेरी मेरे पीछे पड़ चुका है, जल्दी से हमें भागना होगा। ओके, फटाफट चलते हैं, फटाफट चलते हैं गाइस। यहाँ पर मुझे जंप करना होगा और संभल के, देख सकते हो नीचे लावा है, अगर मैं गिरा तो मैं एक ही झटके में किल हो जाऊँगा, इसीलिए संभल के जंप करना होगा, पूरा संभल के। एक बार और जंप किया। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं ब्रिज के ऊपर। अब यहाँ जैसे हम लोग आते हैं, यहाँ पे व्हील है, घुमाते हैं, घुमा दिया। हमें थोड़ा वेट कर लेना है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं इसके ऊपर। तब तक आप लोग चाहो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हो, मन करे तो, मन नहीं करे फिर तो कोई बात ही नहीं है, बटन दबाते हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे इस कैरेक्टर को किल करना है, जैसे हम लोगों ने पहले किल किया था, अब मैं इसे किल करूँगा। इसे तो मैं पूरी तरीके से किल करूँगा। इसका HP मैंने आधा कर दिया है, पूरा ख़त्म करते हैं। वो भी मुझे डैमेज दे रहा है, लेकिन मैं इसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज देकर किल कर दिया। फिर से दबाते हैं, ड्रिंक चाहिए, कैच करेंगे, कैच करा, ड्रिंक पीते हैं। इसके बाद मेरे अंदर एबिलिटी आ चुका है, अब मैं काफ़ी तेज़ तरीके से रनिंग कर सकता हूँ और काफ़ी तेज़ तरीके से जा भी सकता हूँ। चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ भी आ गए सेफली तरीके से। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ऑल राइट गाइस, हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी दिक्कत के। ओके, इसके बाद फिर से आयरन का प्लेट है, इसे भी फटाफट से मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, एक प्लेट और बचा है। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं लेडर के पास, इस लेडर की मदद से सीधा चलेंगे इसके ऊपर। यहाँ एक और लेडर है, इसका भी यूज़ करेंगे और सीधा हम लोग इसके ऊपर आ गए। और यहाँ चलेंगे स्टोरेज रूम के अंदर, चलते हैं डायरेक्ट। और यहाँ पर देख सकते हो लेडर है, इसे उठाकर सही जगह पर ड्रॉप करना होगा, जहाँ पर लिखा होगा फाइंड ए लेडर, और हमें इस सीढ़ी को वहीं ड्रॉप करना होगा। तो लेडर को ड्रॉप करते हैं यहाँ पर। क्या मैंने, यहाँ पर एक कैरेक्टर है जो मुझे काफ़ी यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है। चलो कोई ना, ट्राई करते हैं, वो भी अपना लेडर लगाने के लिए यहाँ पर इधर उधर कर रहा है और हम भी लगा रहे हैं। उसका लेडर हमें इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उसका लेडर सिर्फ उसके ही फ़ोन में दिखेगा। चलो गाइस, ऊपर चलते हैं, वो लेडर ही लगा रहा है सबसे पहले, लेकिन उससे पहले हम लोग आगे निकल गए। चलते हैं आगे, और यहाँ दोनों तरफ ट्रैप है और सामने से एयर का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही तेज है, इसीलिए हमें अच्छी तरीके से जाना होगा। ओके, जंप करते हैं, हम लोग यहाँ आ गए और सामने देख सकते हो लेडर है,
हम लोग डायरेक्ट चलेंगे इसके ऊपर, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। और जैसे हम लोग यहाँ आते हैं, सामने देख सकते हो पार्कोर मोड में पाइप है, यानी कि इस पाइप पर जंप करके कोऑर्डिनेशन मिलाते हुए सही तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा, और हम वही कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से आगे चलते हैं। आधा दूर तो अच्छी तरीके से पार कर लिया, आधा और बचा इसे भी मैं फटाफट पार कर लेता हूँ, ऊपर चलते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए, और यहाँ ऊपर देख सकते हो तीनों पाइप का एयर चल रहा है, यानी मैं इसमें सटूंगा तो किल हो जाऊंगा, इसीलिए बंद करना होगा। ये रहा पहला व्हील, इसे घुमाकर पहला पाइप का एयर बंद कर दिया, मतलब ये अब पहला पाइप से एयर नहीं निकल रहा होगा। अब चलेंगे सेकेंड व्हील को घुमाने के लिए, वो रहा मेरे सामने, घुमाते घुमा दिया। अब दूसरा पाइप का एयर भी बंद हो चुका होगा। अब चलते हैं थर्ड, यानी कि सबसे लास्ट पाइप की तरफ। इसके ऊपर चलते फटाफट से, सामने देख सकते हो पाइप ओपन है, और यहाँ व्हील है, इसे घुमाएंगे फटाफट से, घुमा दिया और वो भी बंद हो चुका है। जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा, फटाफट चलते हैं। और हम लोग काफ़ी तेज़ तरीके से जा रहे हैं। ऑल राइट गाइस, इसके बाद हमें क्या करना होगा, जंप करके उस तरफ चलेंगे। अब सीधा चलेंगे, सामने देख सकते हो टनल है, और हम लोग डायरेक्ट चलेंगे टनल के अंदर। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं सेफली तरीके से टनल में, अब यहाँ से बाहर निकलेंगे फटाफट से। ओके, अब यहाँ देख सकते हो पीछे से एयर मुझे पुश कर रहा है, और हम लोग इस लंबा जंप को, यानी गैप को अच्छी तरीके से जंप करके पार कर रहे हैं। चलो ठीक है मैन, इसके बाद यहाँ भी जंप किया, दो जंप और लेना होगा। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं सेफली तरीके से, इसके बाद सीधा ऊपर चलेंगे, आ चुके हैं। जंप करके जाना होगा टनल में, तो थोड़ा वेट करेंगे। पहला कोशिश फेल हो गया, सेकेंड बार ट्राई किया, और सेकेंड बार हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते फटाफट से। चलो ठीक है, हम लोग यहाँ भी आ गए कैफेटेरिया में, और यहाँ सेफ है। ओके, चलो आगे चलते फटाफट से गाइस। और ये सेफ काफ़ी डेंजरस है, और पता नहीं क्या फेंक के मारता है, जिसकी वजह से मेरा स्पीड काफ़ी स्लो हो जाता है। चलो ठीक है, जितना जल्दी हो सके हमें इस सेफ को किल करके हमें यहाँ से निकलना होगा। इसका हेल्थ मैंने आधा से भी डाउन कर दिया है, थोड़ा ही बचा है। तो गाइस ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, और इस तरफ से आगे जाने का रास्ता बन गया है। इसके बाद नीचे फ्लोटिंग हम लोग करने वाले हैं, तो देख सकते हो मेरा कैरेक्टर नीचे स्क्रॉल होने लगा है। स्क्रॉल होने के बाद एक हाली जंप करेगा, और यहाँ लैंड करते हैं। लैंड भी कर चुके हैं सेफली तरीके से। अब यहाँ से आगे चलते हैं, और ये लेडर डायरेक्ट मुझे इसके ऊपर लेके जाएगा, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये रहा एग्जिट डोर, ओपन करते हैं। ओपन करा, अब चलेंगे डायरेक्ट इसके ऊपर, लेकिन संभल के लेजर है, देख सकते हो यहाँ पहला लेजर को पार कर लिया है, ऊपर और भी लेजर है, सारे लेजर को पार करना होगा। सेकेंड लेजर को भी पार कर लिया, ये रहा थर्ड लेजर। तो गाइस थर्ड लेजर को भी पार कर लिया, बचा सबसे लास्ट में फोर्थ लेजर, और इससे भी फोर्थ लेजर को मैंने अच्छी तरीके से पार कर लिया। अब यहाँ से आगे चलते फटाफट से, और अब देखते हैं कौन सा स्टेप होगा। ये रहा एरो का निशान, सीधा चलेंगे इसके ऊपर। ये रहा प्लैंक्स, इस प्लैंक को हम लोग क्या करेंगे, ब्रिज की तरह यूज़ करेंगे। तो रखते हैं, रख दिया, अब आगे चलते हैं। फिर से उठाते हैं, और जब भाई अब यहाँ पे रखते हैं, रख दिया। अब यहाँ से आगे चलते हैं, अब हम लोग सबसे लास्ट फाइट को अंजाम देने वाले हैं, तो मज़ा आएगा। जल्दी से मैं इस बेरीज मैच रोबोट को पूरी तरीके से फिनिश कर लेता हूँ। इसका एबिलिटी दोनों हैंड में है, इसीलिए मुझे हैंड को उड़ाना होगा। तो गाइस पहला हैंड उड़ा दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया, बचा लास्ट का एक हैंड, इसे भी हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया, हमें थोड़ा वेट करना होगा। और यहाँ ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, सामने गैराज का भी डोर ओपन हो गया, सामने व्हीकल है, और हमें इसी व्हीकल को लेकर यहाँ से निकलना होगा। बैठ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।